अब तक आपने देखा गौरी शादी के कार्ड में छपा सूरजभान संग गौरी देख लेती है और वो कार्ड लेके पंडाल से किसी से बिना कुछ कहे निकल जाता है। सूरजभान के पूछने पर कि गौरी कहाँ है, गौरी के परिवार वाले भी उसे ढूंढने के लिए पंडाल से निकल जाते हैं। इधर शिव मिर्जापुर छोड़ के चला जाता है। इधर गौरी घर पहुंचती है और गुंजन के पूछने पर कि क्या हुआ वो कुछ नहीं बताती। इतने में गौरी के परिवार वाले भी घर पहुंचते हैं। मोहन, दादी, नीरज सब गौरी को डांटते हैं कि उसने ऐसा करके परिवार की नाक कटवा दी, बहुत गलत किया उसने। इस पर गौरी बोलती है कि उसने कुछ गलत नहीं किया क्योंकि शादी के कार्ड में विक्रम की जगह सूरजभान का नाम लिखा हुआ। इधर सूरजभान बलदेव से कहता है कि अब नाटक नौटंकी बंद, जो होगा खुलकर होगा। इधर मोहन और दादी गौरी से कहते हैं कि कार्ड पे सूरजभान का नाम गलती से छप गया होगा। इतने में सूरजभान आकर कहता है कि कुछ भी गलती से नहीं हुआ, गौरी की शादी उसी से ही होनी। तो गौरी कहती है कि वो शादी नहीं करेगी। तब सूरजभान गौरी से कहता है कि अगर तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं हुई तो तुम लोगों को ये घर छोड़ना पड़ेगा क्योंकि अब ये घर मेरे नाम पे। ये सुनकर सब स्तब्ध रह जाते हैं। गौरी कार्ड फाड़ के सूरजभान के मुंह पर मारती। तब सूरजभान कागजात दिखाता है और कागजात दिखाते हुए मोहन से कहता है कि आपको तो सब मालूम होना चाहिए, पर वो कमला के बारे में कुछ नहीं कहता। और फिर वो मोहन से कहता है कि अपनी बेटी को समझाइए कि मुझसे शादी कर ले, नहीं तो तुम लोगों को घर से धक्के मार के निकाल दूंगा। अब आगे आखिर ये कैसा मजाक है विक्रम? गौरी दीदी कोई और नहीं, हमारी बड़ी बहन है। माँ की तरह पाला है उन्होंने हमें और उनके साथ इतना बड़ा धोखा, आखिर क्यों? क्या सोचकर तुम्हारे बड़े भाई सूरज भांजी ने इतना भद्दा मजाक किया उनके साथ? कम से कम उन्हें अपनी उम्र का तो लिहाज होना चाहिए था। देखो विक्रम, हम कुछ नहीं जानते, जाओ उनसे जाकर कहो कि अभी के अभी हमारे घर आए, सबसे माफी मांगो। देखो गुंजन, सूरजभान भाई सबको नहीं समझा सकते। गुंजन, अब तुमसे क्या छुपा है, तुम तो बहुत अच्छे से जानती हो विक्रम के बड़े भाई को। हम भी बता नहीं सकते कि ये सुनकर हमें भी बहुत दुख हुआ है, लेकिन सूरजभान जी किसी की नहीं सुनते, बस वो अपनी मर्जी के मालिक है। अब देखो ना, हम तो ये भी बताने में डर रहे हैं कि तुम्हारी और विक्रम की शादी हो गई है। दीदी, मेरी शादी की छोड़ी, वो बाद में देखी जाएगी, लेकिन अभी के लिए सूरज भान जी सबसे माफी मांगनी ही होगी। देखो देवरानी जी, अब तुम गुंजन श्रीवास्तव नहीं श्रीमती गुंजन विक्रम सिंह हो गई हो, और हम तो तुम्हें एक ही सलाह देंगे कि तुम विक्रम और अपने बारे में सोचो। क्या बात है विक्रम? गौरी का फोन। विक्रम, देखो इस तरह से दीदी का फोन मत काटो, अभी वो बहुत गुस्से में, पता नहीं क्या कर बैठे। फोन उठाओ विक्रम, कहीं ऐसा नहीं हो कि दीदी यहीं आ जाए। विक्रम, फोन ही ऑफ कर दिया, कोई फोन नहीं आया। गौरी बिटिया, क्या हुआ? दादी, विक्रम फोन नहीं उठा रहा। तो समझती क्यों नहीं है गौरी, दोनों भाइयों ने मिलके पूरा षड्यंत्र रचा है, इसीलिए तो विक्रम फोन नहीं उठा रहा है।
लेकिन दादी हम भी ये जानकर रहेंगे विक्रम को हमें जवाब देना ही होगा। हम हार नहीं मानेंगे। क्या करेगी तू? पहले ही इतनी समस्याएं हैं और घर का माहौल तो तू देख ही रही है ना कि हम लोग किस समस्या से जूझ रहे हैं। नहीं दादी, अगर ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है? किसने रचा है ये षड्यंत्र? हम ये जानकर रहेंगे। गौरी, शांत हो जाओ गुंजन, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अरे हमने इसलिए तो अपना दिमाग लगाया और वक्त आने पर हम छुप गए। सब ठीक हो जाएगा, शांत रहो। देखो गुंजन, हम तुम्हारा और विक्रम का बुरा नहीं चाहेंगे। हम तुम्हें सिर्फ एक ही सलाह देंगे कि तुम इस मसले में मत पड़ो। देखो गुंजन, समझो इस चीज को। दीदी सही कह रही है। यही चाहती थी ना तुम? वो मत फेरो गौरी। मैसेज? कहीं शिव का मैसेज तो नहीं? तुझको मैंने खो दिया ना, तुझसे कोई गिला है। पल पल ढूंढूं मैं तुझे, यही मेरा सिला है। रूठी जो रब तो फिर भी मना लूं। तू ही बता दे मुझे कैसे पुकारूं तुझे। अंधी हो गई हो तुम, जो सही और गलत में फर्क समझ नहीं आ पा रहा है तुम्हें। सब लोग मिलके तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं और तुम मुझे दोषी ठहराने में तुली हो। और अपनी आंखों पर बंधी अंधविश्वास की पट्टी को हटाओ, क्योंकि ये तुम्हारी और तुम्हारी बहन कुंजन की जिंदगी का सवाल है। शेफ, शेफ! ये कैसी दुविधा है माँ, हम क्यों नहीं समझ पाए आपका इशारा।
शिव तो हमारा भला चाहता था, क्यों शक करते रहे हम उस पर? उसके साथ इतना बुरा बर्ताव किया हमने, पर अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। हम माफी मांग लेते हैं शिव से। ये कैसा प्यार है, चढ़ा ये खुमार है, ना आँखों में नींद है ना दिल को करार है। अपने दोस्त को बहुत मिस करेंगे। हमारे बीच तो डील हुई है ना कि तुम शादी करोगी उस विक्रम जी से, और तुम और मैं तो बस अच्छे दोस्त बन के रहेंगे। जिंदगी में तुम्हारे खुद के कोई मायने है या नहीं? मैंने अब तक तुम्हें तुम्हारे लिए सांस लेते नहीं देखा। कमला रानी, अरे कमला रानी, अरे आज तुम्हें क्या हो गया कमला रानी? हर बार तो तुम्हें बोलने से रोकना पड़ता था और आज एकाएक इतने चुप, कोई मौन धारण किया है क्या? अरे रे, ये क्या कर रही हो कमला रानी? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? आज आप हमसे कुछ मत कहिए। आज ना हमें इस बात का एहसास हो गया है कि हमारी माँ सच कहती है। क्या कहती थी तुम्हारी माँ? यही कि औरत की असली जगह ना इसके पति के चरणों में होती है। क्या? अरे ठीक है। अरे आप खड़े क्यों हो गए? आज से हम अपनी सारी जिंदगी आपकी सेवा में लगा देना चाहते हैं। आप थक गए होंगे ना? अरे ठीक है। बैठिए, हम आपके पांव दबा देते हैं। अरे ठीक है कमला रानी, ये तुम क्या कर रही हो? बबलू जी, ये दासी अपने स्वामी की सेवा करना चाहती है। अरे कमला रानी ठीक है, सब मत करो, अच्छा नहीं लगता। सुनिए, आप आज ना हमसे एक वादा कीजिए कि आज के बाद दुनिया चाहे इधर से उधर चली जाए पर आप हमारा हाथ और हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे कोई भी परेशानी आए। बोलिए, करेंगे ना ऐसा? हाँ, हम वादा करते हैं कमला रानी। सुहाग रात है, घूंघट उठा रहा हूं मैं, कि अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं। बलदेव, देखना एक दिन गौरी खुद ब खुद हमारी हवेली में चल के आएगी। लेकिन साहब, अगर कल गौरी जी की मांग में सिंदूर भर गया होता तो आज आप सुहागरात मना रहे होते? वो भी मनाएंगे बलदेव, सुहागरात भी मनाएंगे, बस थोड़ा वक्त है। सुहागरात है, नीरज,
नीरज बेटा। आए दादी। अगर ये घर चला गया तो रह क्या जाएगा हमारे पास? अपने परिवार को लेके कहां जाएंगे हम? समझ में नहीं आ रहा अम्मा के इतने बड़े तूफान का सामना कैसे करेंगे। धीरज रखो मोहना, माँ विंध्यवासिनी पर हमें पूरा भरोसा है कि वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। नीरज बेटा। जी दादी। इस समय पूरा परिवार बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया, इसलिए हम सबको मिलके कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालना होगा। हाँ दादी, पर हमारी भी समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। सूरज भान बहुत बड़ा आदमी है, दबंग है। अगर सूरज भान बड़ा आदमी है तो दुनिया में और लोग भी तो उससे बड़े होंगे ना। देख, जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है, वैसे ही उस मछली को निगलने के लिए उससे बड़ी मछली भी तो होती है ना। संसार का चक्र बस ऐसे ही चलता है, नहीं तो किसी को किसी का डर ही ना रहे। नीरज बेटा, तुम्हारे बैंक में ऐसा कोई आदमी तो होगा ना जो सूरज भान से भी बड़ा हो। दादी, आजकल के जमाने में बिना अपने फायदे के कोई कहां मदद करता है। बाबूजी, हमें तो लगता है कि हमें किसी अच्छे वकील से बात करनी चाहिए। नीरज बेटा, कोर्ट कचहरी का मामला तो सालों साल चलता रहता है और पैसा भी पानी की तरह बहता है। देखो, हमें कोई ऐसी तरकीब निकालनी होगी कि सारा काम शांति से निपट जाए। दादी, हमारी बॉस बहुत हेल्पफुल नेचर की है। हमें यकीन है कि अगर हम उनसे बात करेंगे तो हमारी मदद जरूर करेंगे, और उनके कहने पर हमारे ऑफिस का लीगल डिपार्टमेंट हमारी मदद जरूर करेगा। बेटा, पहले अपनी बॉस से बात तो कर ले। अरे उस चिप, हमारा मतलब है कि घर के मामले में अपनी बॉसिन को क्यों ला रहे हो बीच में? नहीं भाभी, भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप करिए उनसे बात। ठीक है गौरी, हम मैडम जी से बात करते हैं। हाँ नीरज, बोलो। नमस्ते मैडम जी। एक्सट्रीमली सॉरी मैडम जी, आपको अचानक हमने फोन कर दिया। कोई बात नहीं नीरज, बोलो क्या बात है। दरअसल बात यह है कि हम एक फैमिली प्रॉब्लम में फंस गए हैं। You don't worry, नीरज, मुझसे जो बन पड़ेगा वो मैं करूँ, और ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। थैंक यू मैडम जी, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। डोंट वरी। दादी, बाबूजी, मैडम जी ने कहा है कि अपने सारे पेपर्स लेकर ऑफिस आ जाओ, वो अपने लीगल डिपार्टमेंट से बात करेंगे और जो भी अच्छा जो भी सही रास्ता होगा वो हमारी मदद जरूर करेंगे। गौरी। जी भैया। हो सकता है कि मैं दो तीन जगह जाना पड़े, इसलिए तुम भी हमारे साथ चलो। हाँ भैया, हम जरूर चलेंगे, पर आप देखिएगा
बिनवासनी माँ के आशीर्वाद से कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। अब बबलू की चलन छूकर उसकी दासी बन गए वो कुछ नहीं। ये जरा सा मौका मिला नहीं ना कि चल पड़े उस छिपकली के ना पल्लू पकड़े में। हम पूछते हैं पूरी दुनिया में बस वही मिली क्या आपको? अरे क्या जरूरत थी उसकी मदद लेने की आपको? ये तुम्हें क्या हो गया है कमला? होश में तो हो तुम? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? पूरा घर परेशान चल रहा है और वैसे भी किसी ना किसी की तो मदद लेनी पड़ेगी ना हमें। और हम कोई चाय कॉफी पीने या कोई मटन गश्ती करने नहीं जा रहे, अपना घर बचाने जा रहे हैं हम, समझे तुम? ताकि तुमको, दादी को, गौरी को, गुंजन को और बाबूजी को सड़क पे सोना ना पड़े। और हाँ एक बात कान खोलकर सुन लो तुम, बॉस तो बॉस, हमें जिसकी भी मदद लेनी पड़ेगी ना हम उसकी मदद लेंगे, उसका दरवाजा खटखटाएंगे, मिन्नतें करेंगे। हम अपने बाबूजी के इस मेहनत के पैसों से बने घर को यूं लूटने नहीं देंगे, समझे तुम? और हाँ ये फिजूल की बातें करना छोड़ो और मैं सोचने दो कि आगे करना क्या है।